मंत्री के भाई को मिल साथ जाता है गुंडागर्दी का लाइसेंस। जी हां, कुशीनगर से खबर है जहां उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री के भाई की गुंडागर्दी। पूर्व सैन्य अधिकारी और उसके बेटे को पीट पीट कर अधमरा किया। पुलिस पर मामले की लीपापोती का आरोप लग रहा है। पुलिस ने नहीं दर्ज की है FIR। मंत्री राधेश्याम के भाई घनश्याम पर है दबंगई का आरोप। मंत्री जी पर दबंग भाई को शह देने का आरोप लगा है और मंत्री के भाई को मिल जाता है गुंडागर्दी का लाइसेंस। बड़ी खबर, क्या मंत्री के गुंडा भाई पर कार्रवाई होगी? यूपी के उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री के भाई की गुंडागर्दी सामने आई है। आरोप है मंत्री के भाई ने पूर्व सैनिक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इतना ही नहीं, मंत्री के रसूख के आगे पुलिस भी कार्रवाई से कतराती नजर आ रही है। जी हां, पुलिस ने मामले में FIR तक दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा। आपको बता दें, यह घटना तब हुई जब दो दिन पहले कुशीनगर के लक्ष्मीगंज में एक मेडिकल की दुकान पर पूर्व सैन्य अधिकारी खड़ा था। मंत्री राधेश्याम सिंह का भाई घनश्याम सिंह एक सिपाही और कुछ लोगों के साथ पहुंचा और मारपीट करने लगा। इससे भी जब उनका मन नहीं भरा तो शुक्रवार को सत्ता के नशे में चूर इन लोगों ने पूर्व सैन्य अधिकारी के बेटे सौरभ को स्कूल जाकर पीटा, जो गंभीर रूप से घायल है। इंडिया वॉइस को फौजी के बेटे ने बताया कि पहले दबंगों ने उसके पिता को पीटा और अब लगातार उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या मंत्री के भाई को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है उत्तर प्रदेश में? क्या मंत्री के गुंडा भाई पर कार्रवाई होगी? ये सवाल पुलिस और अखिलेश सरकार से जरूर है। के भाई घनश्याम सिंह, जो कि मेरे पिताश्री को जान से मारने की कोशिश की और उसी रंजिश को लेते हुए ये तीन लोग मिलके मुझे, बड़े सिंह, साजन सिंह और सोनू सिंह, ये तीन लोग मेरे स्कूल में घुस के मुझे जान से मारने की कोशिश की।